पितृ पक्ष में करें शनि राहु और केतु के दान से प्रभाव शुभ। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुरातन ग्रंथों में पितृ पक्ष में कुछ चीजें का दान बताया गया है जो व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन चीजों को परोक्ष रूप में प्राप्त करके पितर तो खुश होते ही हैं, दान करने वाले को भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ ग्रह शांति भी होती है। श्राद्ध वाले दिन आप पंडित जी को खाना खिलाकर यथा योग्य दान दे सकते हैं। श्राद्ध वाले दिन छाते का दान अनिवार्य रूप से ही किया जाता है। छाता राहु ग्रह से संबंधित होता है। अगर आप राहु जनित परेशानियों से व्यथित है तो ब्रह्म देवता को छाते का दान करके और ब्रह्म देवता का आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने राहु और बृहस्पति दोनों को शुभ कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों से परेशान हैं या बच्चे जीवन में सुखी नहीं हैं, तो आपको केतु से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए। इसके लिए आप ब्रह्म देवता को चारपाई का दान कर सकते हैं। चारपाई केतु से संबंधित वस्तु होती है। ऐसा करने से केतु ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर शनि ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आप किसी गरीब ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को या किसी गरीब मजदूर को अपने पितरों के निमित्त तेल, उड़द या किसी लोहे की वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चप्पल, जूते का दान भी शनि ग्रह के प्रभावों को बहुत हद तक शुभ करने के लिए कर सकते हैं। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आप यथा योग्य दान पुण्य करते रहें। ऐसा करने से आपके पितर तो खुश होंगे ही, आपके ग्रह भी आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अपने पितरों के लिए हर रोज घर पर तर्पण जरूर करें। पितरों का तर्पण कौन कौन कर सकता है और किस विधि से कर सकता है, इसकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दे दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो या आप अपने घर से वास्तु दोष निवारण करवाना चाहते हो, तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।